क्या आप कंफ्यूज्ड हैं कि बैचलर्स के बाद मास्टर्स करें या प्रोफेशनल कोर्स करें? तो इस कंफ्यूजन को दूर मैं करूंगा इस वीडियो के अंदर। हाय, मैं हूँ सीए गौरव सबरवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। आइए बात करते हैं एमबीए इंटीग्रेटेड विद एसीसीए के वो पांच बेनिफिट्स क्या हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। देखिए, आजकल हम मास्टर्स को लेकर के बड़ी सारी कन्फ्यूजन होती है, और स्पेशली एमबीए कि एमबीए हम इस कॉलेज से करेंगे तो बस ये एमबीए रेलेवेंट होगा कि नहीं होगा, इसमें जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कॉलेज अच्छा है ख़राब है, और ना जाने क्या क्या। और अगर प्रोफेशनल कोर्स के बारे में हम टारगेट करने का सोचते हैं तो ये प्रोफेशनल कोर्स करने जाएंगे टफ तो नहीं होगा, कर तो पाएंगे कि नहीं। और वहीं वर्किंग प्रोफेशनल्स यानी कि वो लोग जो ऑलरेडी जॉब पे काम कर रहे हैं, उनकी चिंताएं कुछ और भी होती हैं, एडिशनल चिंताएं होती हैं। उन्हें लगता है भाई जॉब के साथ साथ क्या हम पढ़ाई कर पाएंगे, क्या हम इतने डिफ़िकल्ट कोर्सेज को कुछ स्टडी गैप के बाद पढ़ाई करके कंप्लीट कर पाएंगे। सो एमबीए इंटीग्रेटेड विद एसीसीए प्रोग्राम, जिसकी बैच बाय द वे जून 2024 को शुरू हो रही है, आपकी दोनों ही चिंताओं को दूर कर देगी। ये पांच बेनिफिट सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि ये कोर्स आपकी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। आइए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, और वो है एसीसीए की एग्जेम्पशंस। जैसा कि मैंने कहा कि ये MBA इंटीग्रेटेड विद ACCA है, विच बेसिकली मींस कि दोनों कोर्सेज को ही कंबाइन किया गया है। अब यहाँ पर इस कोर्स के अंदर फ़ायदा ये होता है कि आपको ACCA के 9 पेपर के एग्जेम्पशंस यहाँ पर मिल जाते हैं। और हाँ, ये ना सोचें कि 9 एग्जेम्पशंस ले लिया तो हमारे ACCA की कोई वैल्यू नहीं होगी। वैल्यू होगी, क्योंकि एग्जेम्पशंस की एक शर्त होती है, ये कंडीशनल एग्जेम्पशंस होती हैं। ये डिपेंड करती हैं आप इंटरनल एग्ज़ाम्स क्लियर करें MBA के, उसके बेसिस पे आपको ये 9 एग्जेम्पशंस मिल रही होती हैं। यानी कि आपको ये 9 एग्जेम्पशंस मिलेगी तो सही, मगर आपको इनकी नॉलेज भी होगी। तो आइए बात करते हैं बेनिफिट नंबर 2 की, और वो है एग्ज़ाम की फ्रीक्वेंसी। देखिए, ऐसा होता है कि ACCA के अंदर अगर आप रजिस्टर कराते हैं ग्रेजुएशन के बाद कुछ एग्जेम्पशंस वगैरह लेकर के, तो आपको हर 3 महीने के अंदर एक पेपर जो है वो देना होता है। जबकि अगर आप MBA इंटीग्रेटेड विद ACCA प्रोग्राम में करते हैं तो यहाँ पर हर 6 महीने में आपको एग्ज़ाम्स जो हैं वो देने होते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए स्पेशली हर 3 महीने में एक नए पेपर की तैयारी करना और फिर उसका एग्ज़ाम देना काफ़ी मुश्किल होता है। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होना, यानी कि साल में 2 बार ही पेपर होना, आपके लिए थोड़ा सा आसान बना देता है इन कोर्सेज को टारगेट करना। बात करते हैं बेनिफिट नंबर 3 की, विच इज़ मास्टर्स भी आपका यहाँ कंप्लीट हो रहा है और एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी हो रहा है, क्योंकि ये डिग्री क्या है, MBA इंटीग्रेटेड विद ACCA, राइट। तो यहाँ पर जो MBA होता है वो MBA इन इंटरनेशनल फाइनेंस होता है, और ये एक फुल टाइम MBA है, यानी कि ये पार्ट टाइम या डिस्टेंस लर्निंग नहीं है, ये फुल टाइम MBA जहाँ पर आपको प्रॉपर फुल टाइम MBA की डिग्री मिलती है। ये UGC और NAC अप्रूव्ड है, यानी कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के साथ आता है। तो यहाँ दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाते हैं, MBA भी हो गया और ACCA भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर 9 एग्जेम्पशन जो आपको मिलते हैं उसके बारे में, तो आपको पढ़ाई कराई ही जा रही है, प्रोफेशनल लेवल की पढ़ाई भी आपकी ये MBA के साथ ही कराई जाती है। नाउ इससे फ़ायदा ये होता है कि आप कोशिश कर सकते हैं, अगर हर 6 महीने में एक पेपर दे रहे हैं तो MBA के साथ साथ प्रोफेशनल लेवल के 2 से 3 पेपर टारगेट कर सकते हैं। अब कुछ लोग 4 पेपर भी निकाल लेते हैं बचे हुए, बट लेट्स से कि अगर आप 2 पेपर भी निकाल लेते हैं तो भी एक सीरियस वैल्यू ऐड हो जाता है आपके करियर में। MBA अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यू ऐड करता है, और ACCA के 9 पेपर के अलावा 2 से 3 पेपर भी आप कर लेते हैं तो वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यू अपने आप में यहाँ पर ऐड कर देता है, जिसकी वजह से आप जो जॉब सर्च करना चाह रहे थे या जॉब स्विच करना चाह रहे थे या फिर इंक्रीमेंट का एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, उसको अब आप टारगेट कर सकते हैं, इवन इफ आपके ACCA के 1 या 2 पेपर बचते हैं। नाउ अगर आप चाहते हैं कि MBA इंटीग्रेटेड विद ACCA की लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियो मैं बना दूं ताकि आपको इस कोर्स के बारे में एक डिटेल नॉलेज हो जाए, तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट्स डाउन बिलो। कमेंट में लिख दें MBA प्लस ACCA, तो उसकी लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो मैं आपके लिए बनाना शुरू कर दूंगा। अब वर्किंग प्रोफेशनल्स के दिमाग में स्पेशली एक बात चल रही होगी कि सर, तो हम तो जॉब करते हैं, हम तो हफ्ते में 5-5 दिन काम करने के लिए जाते हैं, हम कैसे इस कोर्स को कर पाएंगे, क्योंकि आपने तो कहा कि ये एक फुल टाइम और रेगुलर कोर्स है। तो उसके बारे में बेनिफिट नंबर 4 पे हम आते हैं। बट बिफोर वी डिस्कस दैट, अगर इस चैनल पे आप आए हैं पहली बार या फिर काफ़ी समय से वीडियोस देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए जी, बेनिफिट नंबर 4 पे हम आते हैं, और वो है वीकेंड पे लाइव क्लासेस का होना।
नाउ ये जो कोर्स है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए या फिर ऐसे लोग जो चाहते हैं कि जॉब के साथ यानी कि अर्न करते करते हम लर्न भी करें, उनके लिए बनाया गया है। यहाँ पर आप वीकेंड पे जो हैं अपनी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि वीकेंड पे यानी सैटरडे संडे पे लाइव क्लासेस होती हैं 6 to 7 hours की। नाउ अब वर्किंग प्रोफेशनल्स कई बार हर वीकेंड जो है अपना पढ़ाई में झोंक नहीं देते, क्योंकि 5 दिन तो हम काम कर रहे हैं, फिर बाकी के 2 दिन भी हम पढ़ते रहेंगे तो कैसे चलेगा। तो यहाँ पर आपको फैसिलिटी होती है कि आप पूरे दिन क्लासेस को अटेंड करने की बजाय 2 घंटा 3 घंटा जितना आप अफोर्ड कर पाते हैं आप अटेंड करें, और हफ्ते के बाकी दिन जो उन्हीं लाइव लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग है उसको देख करके आप अपने कोर्स को कवर अप कर सकते हैं। इससे आप अपना वीकेंड भी इंजॉय कर सकते हैं, आप वर्क के साथ इसे थोड़ा थोड़ा करके डेली बेसिस पे अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अब आते हैं बेनिफिट नंबर 5 पे, और ये जो बेनिफिट नंबर 5 है ना, ये डिफरेंस मेकर बन जाता है। देखें ऐसा है, हमारा बेनिफिट नंबर 5 है ए टीम का मेंटरशिप प्रोग्राम। देखिए ऐसा है कि मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर हम स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि अपने ACCA वाला जो पोर्शन है ना, MBA इंटीग्रेटेड विद ACCA, इसमें जो ACCA वाला पोर्शन है इसके लिए आपको अपना स्टडी प्लान किस तरीके से बनाना होता है। यहाँ पर नंबर 1 तो हम बताते हैं कि आपको क्या करना है अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जो 9 पेपर की आप एग्जेम्पशन ले रहे हैं उसके लिए, और दूसरी बात हम आपको बताते हैं कि अपने प्रोफेशनल लेवल पेपर्स को आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कौन सा एग्ज़ाम आपको पहले देना चाहिए, कौन सा बाद में देना चाहिए, रोज़ कितने घंटे आपको पढ़ाई करनी चाहिए, और आपको कैसे पता चलेगा कि आप अब एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं, और अपने प्रोफेशनल लेवल को एग्ज़ाम्स को आपको बुक कैसे करना है, और एग्ज़ाम्स के दौरान क्या एक्सपेक्ट करना है। यूजुअली ऐसे प्रोग्राम्स के अंदर ये गाइडेंस की कमी होती है, और वो चीज़ हम यानी कि ATM कॉमर्स अकेडमी पे आपको प्रोवाइड करते हैं, मगर इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हम हर सेशन के अंदर सिर्फ 12 स्टूडेंट्स को ही लेते हैं, राइट। एंड ये जो सेशन जून में शुरू हो रहा है इसके अंदर हमारी 3 सीट्स मेंटरशिप की ऑलरेडी फुल हो चुकी हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली आने वाले 10 दिन के अंदर बाकी सीट्स भी फुल हो सकती हैं। सो अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में इंटरेस्टेड हैं तो ये जो नंबर दिया है ना, फ़ोन कर लें और मेरे से बात कर लें, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फॉर्म दे रखा है उसको फिलअप कर लें, मैं या मेरी टीम में से कोई आपको फ़ोन कर लेगा, और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने डिसीजन मेकिंग के लिए वहाँ पर आपको हम हेल्प कर देंगे। देखिए एक बात तो तय है कि आप अपना डिसीजन अगर अभी ले लेते हैं, क्विकली ले लेते हैं, जून वाले बैच को आप ज्वाइन कर लेते हैं, सो देर आर हाई चांसेस कि आप अपने करियर की शुरुआत जो है जल्दी कर पाएंगे जैसे ही उसकी बैच शुरू होती है। अगर इस चीज़ के अंदर डिले होता है तो फिर बात वही 2025 पे यानी कि अगले साल पर चली जाती है। तो अगर डिसीजन लेना चाहते हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट आपको करना है उस चीज़ के लिए, प्लीज़ गिव मी अ कॉल एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 5 बेनिफिट से आपको मदद मिली होगी इस कोर्स के अंदर। अच्छा, ये सीरीज़ नई सीरीज़ नहीं है, इसके अंदर ऑलरेडी 2 वीडियोज़ हम बना चुके हैं। एक वीडियो के अंदर हमने 5 बेनिफिट्स ऑफ CMA USA की बात करी थी, और दूसरे वीडियो के अंदर 5 बेनिफिट्स ऑफ ACCA की बात करी थी। अब हमने MBA इंटीग्रेटेड विद ACCA की बात कर ली है। अगर आप चाहते हैं किसी और कोर्स के बारे में 5 बेनिफिट्स मैं बता दूं आपको, भले वो CFA हो, CA हो, CSO, कोई भी कोर्स हो, तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट्स डाउन बिलो। कमेंट में लिख दें 5 बेनिफिट्स ऑफ डैश कोर्स। अब डैश मैंने बोला है, अब डैश की बजाय कोर्स का नाम आप लिख देना, ठीक है जी, और उसके ऊपर भी मैं वीडियो फटाफट से बना दूंगा। अभी के लिए इतना ही, मैं यानी कि CA गौरव सबरवाल आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।